नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज 72। मैं लक्ष्मीवत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 22 के ईश्वर बंजारे जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ईश्वर प्रसाद बंजारे है। मैं वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद पद के लिए कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, अपने वार्ड को कितना जानते हैं, इसके बारे में बताइए। मैं वार्ड में लगातार 10 वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के पार्षद 2 बार रहा हूँ मैं, और तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और वार्ड में विकास मैंने किया है। सर, आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है और यह कहाँ तक फैला हुआ है? वार्ड लगभग 1 किलोमीटर के लगभग फैला हुआ है, और जिसमें 1500 मतदाता हैं। सर, जैसे कि हर पार्टी का एक मूल मंत्र लेके मैदान में उतर रही, चुनावी मैदान में उतर रही है, तो आपका क्या मूल मंत्र होगा इस चुनाव को जीतने का? हमने जो पिछले कार्यकाल में अपना विकास किया है, लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान की है, मूलभूत सुविधा चाहे भवन, सामाजिक भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक मंच, सभी प्रकार की, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात हो, सब सभी कार्य किए हैं। सर, अगर आप जीत के यहाँ आते और यहाँ के प्रदा मतलब जो जनता है अगर आपको यहाँ जीत दिलाती है, तो आप उनके लिए क्या नया करना चाहेंगे? मैं अभी शीतला तालाब का बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण करवाना चाहता हूँ, और सभी कुछ कुछ जगहों पर सांस्कृतिक मंच की आवश्यकता है, और हम सभी पूरे घरों घर पीने की पानी पहुँचाएँगे, और बहुत सारे विकास कार्य हैं, पेयजल की व्यवस्था करना, बोर खनन कराना, ही सब कार्य करवाएंगे। सर, जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? मैं वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी जनता से यही अपील है कि 20 तारीख को गुणवाना भवन मतदान केंद्र पर जाकर क्रमांक 2 में पंजा छाप के पर मुहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। मैं वार्ड की सेवा निरंतर करता रहूँगा। आगे की खबरों के लिए देखते हैं न्यूज 72, कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़।